बस तो हमें यहाँ छोड़कर चली गई। अब हम क्या करेंगे? कुछ भी करो मगर अपना मुंह बंद रखो। तुम्हारी वजह से मेरी भी बस मिस हो गई। अब मैं सुबह मुंबई कैसे पहुंचूंगा? Cut it out. Oh God, मुझे कहाँ फंसा दिया इसके साथ? अरे आप तो खामखा नाराज हो रहे हैं। हमने तो ना जानबूझ के आपकी बस मिस करवाई है। अच्छा just calm down right now. हमारे पापा कहते मुसीबत में सबर से काम लेना चाहिए। अरे आप फिर नाराज हो गए? आप यहाँ अकेले थोड़े ना, हम भी तो हैं आपके साथ। अरे अब आप कहाँ जा रहे हैं? पता लगाने ढाबे वाले के पास कि और कोई तरीका है मुंबई पहुंचने का। नहीं बस हम और नहीं चल सकते, हम थक गए, हम और नहीं चल सकते। ठीक है तो तुम यही बैठो, मैं पता लगा के आता हूँ। ये लो तुम्हारा सामान, वो कंडक्टर ढाबे वाले के पास छोड़ गया था। सो स्वीट, हमें तो लगा बस के साथ हमारा सामान भी गया। हम टहलते टहलते तो बॉम्बे नहीं पहुंचने वाले ना। एक काम करते, क्यों ना यहीं वेट करते, कोई दूसरी बस तो आ ही जाएगी। लेकिन यहाँ इंतजार करने से क्या फायदा, लेट्स मूव ऑन। कहाँ? आपको रास्ता पता है क्या? पता नहीं है पर पता कर लूंगा। तुम्हें चलना है तो चलो वरना यहीं बैठो। रुको हम आ रहे हैं। पता नहीं इस नेटवर्क को क्या हो गया है, एक बार पापा को फोन कर देती ना अब सारी रात वो टेंशन में रहेंगे। ये कैसी आवाज है? कीड़ों की आवाज है, कीड़ों की। So sweet, मुझे नहीं पता था कीड़े इतनी स्वीट आवाज निकालते हैं। कौन से कीड़े हैं? पता नहीं लेकिन इनकी सिर्फ आवाज स्वीट है, काटेंगे ना तो। अच्छा हम कहाँ जा रहे हैं? चुपचाप चलो, ज्यादा सवाल मत पूछो। आप ये क्या कर रहे हैं? पेड़ों के साथ आंख में छोली खेल रहा हूं। क्या? अरे दिखता नहीं है, मार्किंग कर रहा हूं ताकि रास्ता ना भटक जाए। जंगल से निकलना है कि नहीं? दुपट्टा दो अपना। इरादा क्या है आपका? अरे टाइम मत वेस्ट करो, दुपट्टा बांधो। अरे आप तो मम्मी की तरह मुझे डांट रहे हैं। वैसे आप कह रहे हो तो मैं ये दुपट्टा बांध रही हूँ। आपको पता है ये दुपट्टा मेरी मम्मी ने मुझे दिया था, बर्थडे गिफ्ट और माय लास्ट बर्थडे। उनको पता चलेगा ना तो उनको तो बहुत बुरा लगेगा। अरे कहाँ गए? ओ दीप, आप बहुत बुरे हैं, आप हमें अकेला छोड़कर क्यों चले गए? आपको पता है हम कितना डर गए थे? सुना था डर के मारे लोगों की बोलती बंद हो जाती है, लेकिन तुम पे तो उसका भी असर नहीं। आप भी परेशान हो गए? हमारे पापा भी हमसे ऐसे ही परेशान हो जाते, वो कहते हम सिर्फ सोते वक्त चुप हो जाते। लग रहा है। कैसे, एक बात बताऊं आपको, अंधेरे में तो रास्ता नहीं मिलने वाला, लगता है आज रात इसी जंगल में गुजारनी पड़ेगी। तुम हमेशा ऐसी उल्टी बातें क्यों करती रहती हो? मुंबई पहुंचने का कोई इरादा नहीं है क्या तुम्हारा? आज नहीं तो कल मुंबई तो पहुंचना ही है ना। पर सोचो इतने खूबसूरत जंगल में रात गुजारने का मौका फिर कब मिलेगा? Just cut it out. अरे ये क्या बेवकूफी है? नाराज मत होइए। और बस अब हम थक चुके हैं। अरे तो मैं क्या करूं, मुझे तो ऐसे जाना है, तुम्हें यहां मरना है तो मरो यार। ओके फाइन, हम जिए या मरे हम यही रहेंगे बस। हमें पता था आप गुस्से वाले जरूर है लेकिन आपका दिल बहुत अच्छा है। हमारे पापा कहते हैं कि गुस्सा करने वालों का दिल बहुत साफ होता है। हमें भी पानी मिलेगा प्लीज, बहुत प्यास लगी है और भूख भी लगी है। का टाइम है क्या? हमें तो बिरयानी खानी थी। तो फोन करके ऑर्डर कर लो ना, इस पेड़ का एड्रेस दे देना। बिरयानी खानी थी। आपका गुस्सा तो बहुत तेज है। बाप रे।
है आपके लिए। वाओ। हाउ रोमांटिक। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि इतनी हसीन रात हमारी जिंदगी में आएगी। आपको भी हमारी तरह नींद नहीं आ रही ना? चलो बैठ के बातें करते हैं। वो आपकी गर्लफ्रेंड की फोटो है? अच्छा, आपने बताया नहीं आप मुंबई क्यों जा रहे हैं? इंटरव्यू है मेरा मुंबई में कल, इसीलिए। ओह रियली? हम भी कल इंटरव्यू देने जा रहे हैं। हमें पता है कि जॉब तो हमें मिल जाएगी, ये इंटरव्यू तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, इसलिए तो हम नानी के घर गए थे छुट्टियां मनाने। वैसे हमारी मम्मी को पसंद नहीं है कि हम जॉब करें, पर मेरे पापा कहते हैं कि इंसान को सेल्फ डिपेंडेंट और स्ट्रांग होना चाहिए, इसलिए हमने भी सोच लिया चलो सेल्फ डिपेंडेंट होकर देख लेते हैं। वैसे पैसों की हमारे पास कमी नहीं है। गॉड, लगता है कृष्ण हमें यहीं छोड़कर चले गए। वो हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? शायद इंटरव्यू के टेंशन में बैग भूल गए। वाओ, एप्पल, थैंक गॉड, हमें तो बहुत भूख लगी थी। वाओ, बाउ, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बैग को छूने की? हाँ आप गए नहीं? गए नहीं मतलब? ओह माय गॉड, तुमने सोचा मैं चला गया इसलिए मेरे बैग में से एप्पल निकाल कर खा रही थी ना? नहीं जी, हमें तो रोज सुबह एप्पल खाने की आदत है। हमारे पापा कहते हैं an apple a day keeps the doctor away, लेकिन हमारी फ्रेंड कहती है कि if the doctor is handsome, keep the apple away. Cut it out. सुबह सुबह तुम्हारी बकवास शुरू हो गई। पापा कहते करते। पापा, मुझे पापा को फोन करना चाहिए, वो परेशान हो रहे होंगे। ओ गॉड, इसे क्या हो गया? ये चल क्यों नहीं रहा? तुम्हारी बकबक सुनकर डर गया होगा। Very funny. इसी तरह बकबक करती रही ना तो सारी जिंदगी इसी जंगल में निकल जाएगी। पूरी जिंदगी, लेकिन एक दिन यहाँ रुक सकते हैं प्लीज? तुम बदलोगी नहीं ना रोमांटिक फूल, अब चलो यहाँ से यार, मुझे इंटरव्यू के लिए देरी हो रही है। ऐसे नहीं, नहीं हमें नहाना है, हमें गंदे कपड़ों में नहीं जाने वाले। यू क्रेजी? अच्छा हम कपड़े तो बदल ले। अरे पर इन कपड़ों में क्या खराबी है? आप नहीं समझोगे, हम अभी आते हैं, लेकिन प्लीज उस तरफ मत देखना। चलें, हम तो तैयार हैं। जल्दी क्यों बड़े हो गए कृष्णा? अपनी मम्मी को यहाँ अकेला छोड़कर मुंबई चले गए ताकि वो अच्छी नौकरी कर सके और अपनी मॉम को बहुत खुश रख सके। तुम्हें सब कुछ पता है कृष्णा के बारे में? अच्छा चलिए, अब आप चाय पी लीजिए। मम्मी पता नहीं कृष्णा ने नाश्ता किया होगा या नहीं, वो मुंबई पहुँचा होगा, क्या कर रहा होगा। छोटी माँ आप भी ना, वो मुंबई पहुंच भी गया होगा और नाश्ता करके इंटरव्यू देने भी चला गया होगा। हाँ लेकिन मैंने उसे कहा था कि मुंबई पहुंचते ही मुझे फोन करे। छोटी माँ इंटरव्यू में पहुंचने की जल्दी होगी और फिर सोचा होगा कि आराम से बैठ के आपको फोन करेगा, और आप तो जानती हैं
टेंशन में वो सब कुछ भूल जाता है। हाँ टेंशन में तो होगा, मुंबई गया है और पहली बार इंटरव्यू दे रहा है। अच्छा चलिए अब आप मुझे टेंशन मत दीजिए, जल्दी से चाय पी लीजिए और फिर मेरे साथ नाश्ता करने चलिए। तुम नाश्ता लगाओ, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। अरे वो देखो रास्ता आ गया। ओह माय गॉड, इतनी जल्दी! हमारा जंगल में सारी जिंदगी गुजारने का प्लान तो फ्लॉप हो गया। जस्ट कट इट आउट, अब जल्दी चलो, कोई ना कोई हमें लिफ्ट दे देगा। अच्छा रुको मैं आ रही हूँ। ओ हेलो, अरे रुकिए रुकिए। रुको भाई साहब, भाई साहब अगर ऐसी शक्ल बना के लिफ्ट मांगोगे तो मिल गई तुमको लिफ्ट। क्यों, क्या खराबी है इस लुक में? नहीं नहीं कुछ खास नहीं, लेकिन हाँ मुस्कुराने के मामले में थोड़ी कंजूस हो। हमसे सीखो कि लिफ्ट कैसे मांगते हैं। हाँ बताओ कैसे मांगते हैं। ओ कुड़िये किथे जाना है? मुंबई जाना है, लिफ्ट मिलेगी? ओए आ जाओ आ जाओ बैठ जाओ। ओए गुड़िया तेरी कहानी तो ना पूरी फिल्मी है, और तुम दोनों बड़े किस्मत वाले हो जो इतनी जल्दी इतनी हसीन रात तुम दोनों की जिंदगी में आई है। बिल्कुल सच कह रहे हो आप, मेरा तो मन कर रहा था दो चार दिन यहीं रुक जाओ। कितना सुंदर है ना ये नजारा, हरे भरे पेड़, झरने की आवाज, ठंडी हवा, सो ड्रीमी। जस्ट कट इट आउट, अगर कोई जंगली जानवर आ जाता ना तो तुम्हारा ये ड्रीमी सा सपना ऐसा टूटता फिर जिंदगी भर सपना नहीं देख पाती। ओए सुनिए, पर लगता तेरा हम सफर इस दुनिया से बड़ा ही नाराज है, बड़ी उखड़ी उखड़ी बातें करता है। बिल्कुल सच कह रहे हैं, हमेशा ऐसे ही बातें करते रहते हैं, मैं तो बोर हो गई इनके साथ। अब देखिए कोई और होता ना तो ये सुंदर नजारा देखकर खो जाता। मैडम काफी रोमांटिसाइज नहीं कर चुकी आप इस जंगल को, अगर आज हम यहाँ से नहीं निकलते ना तो आप ही रो रो कर इस जंगल को सर पर चढ़ा देती, फिर झरने की आवाज सुनाई देती, पीने के लिए पानी नहीं मिलता, समझी? ओह गॉड कैसा अजूबा बनाया आपने, ना सपने देखता है ना हमें सपने देखने देता है। अगर मैं आपके साथ जंगल में थोड़ी देर और रहती ना तो शायद मैं भी सपने देखना भूल जाती। और रहने दे जाने दे, नदान है यार ये तो, लगता है इसके दिल को किसी के प्यार ने ना छुआ ही नहीं है लगता कभी। ओ सरदार जी प्यार व्यार सब बेकार की बातें होती है, जिंदगी बर्बाद हो जाती है। बिल्कुल गलत, प्यार से जिंदगी आबाद हो जाती है। मेरे पापा कहते हैं दौलत तो मेहनत से कमाई जाती है लेकिन प्यार वो सिर्फ किस्मत वालों को मिलता है, और मुझे पूरा यकीन है कि मुझे मेरा प्यार जरूर मिलेगा। अच्छा और कैसे पहचानेगी आप अपने प्यार को, कि वो भी अपने पापा से पूछोगी? हाँ नहीं पहचान लो, और वैसे भी ये दिल का मामला है लेकिन आप नहीं समझोगे और आपके पास तो दिल है ही नहीं। कट इट आउट। ओके लो जी आ गए तुम्हारी मंजिल। लो जी ओ बस जी अपना साथ बस इधर तक ही था। थैंक यू। थैंक यू पापा जी, अगर आप नहीं होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। ओ जी मैं नहीं करता तो कोई और करता। ओए तू नाराजगी छोड़ यार, इस दुनिया को प्यार की नजर से जरा देख, बहुत खूबसूरत नजर आएगी। पुत्र जिस दिन तेरा प्यार किसी के दिल के धड़कन के लिए धड़कने लगेगा ना उस दिन मुझे याद कर यार, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। और तू कुड़िए मैं तेरे लिए रब से दुआ जरूर मांगूंगा कि तुझे तेरा साथी जरूर मिल जावे। थैंक यू वेरी मच। ओके जी सत श्री अकाल, चलो बाय। अरे पीसीओ मैं मॉम को फोन करके आता हूँ, मेरा वेट कर रही होंगी। मुझे भी घर फोन करना है। चलो। वैसे तो आपने सुना ही होगा ना लेडीज फर्स्ट। जाइए।
एंगेज्ड जरूर मम्मी फोन पर होंगी। आपको पता है एक बार उनकी बातें शुरू हो जाती है तो खत्म ही नहीं होती। अब मैं समझा कि तुम किस पर गई हो। क्या? नहीं मतलब मैं कह रहा था कि वो अगर तुम्हारी मम्मी की बातें खत्म हो गई हो तो मैं मेरी मम्मी से बात कर लेता हूँ। क्या है उनको मेरी तरह कट टू द पॉइंट कम बात करने की आदत है तो कहना है। या थैंक यू। हेलो हेलो कृष्णा। अरे मिमी तुमने बिना बोले कैसे पहचान लिया कि मैं हूँ? अरे पापा इतनी सुबह सुबह तुम्हें छोड़कर और कौन फोन कर सकता है। What? अच्छा वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ तुम मुंबई पहुँच गए? हाँ पहुँच गया और थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हुई बट इट्स ओके। और इतनी देर क्यों लगाई फोन करने में? अच्छा अब तुम ज्यादा सवाल मत पूछो, मुझे इंटरव्यू के लिए देरी हो जाएगी। अच्छा सुनो मम्मी को कह देना कि मैं बॉम्बे ठीक ठाक पहुँच गया हूँ और इंटरव्यू खत्म करते ही उन्हें फोन करूंगा। ठीक है ओके बाय। हेलो कृष्णा ऑल द बेस्ट। हेलो फोन रख दिया, जल्दी में होगा। सॉरी हो गई आपकी बात। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करने गया था? एनीवेज हम फोन करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करने वाले, सीधा टैक्सी पकड़ेंगे और घर चले जाएंगे। आपको कहीं ड्रॉप कर दूं? नहीं नहीं थैंक यू वेरी मच, इतने लंबे इंतजार के बाद आपसे छुटकारा मिल रहा है यही मेरे लिए काफी है। थैंक यू गॉड वेरी मच। आप प्लीज जा सकती हैं। आपको पता है बहुत बुरे हैं, आपने क्या कड़वी बातें करने में दिल तोड़ने में पीएचडी की है क्या? एनीवेज हम आपकी वजह से अपना मूड खराब नहीं करने वाले। हाँ और वैसे आपने कुछ खास नहीं किया हमारे लिए, लेकिन फिर भी हमारे साथ इतना लंबा सफर तय करने के लिए थैंक यू। ओ यस बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू, भगवान करे आपको आपसे भी खड़ूस बॉस मिले। टैक्सी। आंटी Run! Run! Run!